हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम एक्टिविटी कह सकते हो या क्रियाकलाप। ये 12वीं क्लास 11वीं क्लास और 10वीं क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम दो क्रियाकलाप करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हमारा क्रियाकलाप क्या है। द नेक्स्ट इज एनारोबिक रिस्पिरेशन इन द ईस्ट। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट फॉर ऑल क्लास। हेयर द ईस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन एनारोबिक रिस्पिरेशन ऑन द ईस्ट। हेयर प्रोसीजर और टेक अ पिंच ऑफ ड्राई बीकर एज अ ईस्ट इन अ वाटर ऑफ फ्यू ml ऑफ ईस्ट सस्पेंशन एंड यूज टू द बैक रीज एज एट दिस इज टू 10 ml ऑफ 10% ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। अ कवर इज द सर्फेस ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब विद द ऑयल टू बी प्रिवेंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद द एयर। क्लोज द टेस्ट ट्यूब टाइटली विद द कॉक एंड टेक अ डबल बेंड ग्लास लीवर ट्यूब विद देयर वन एंड अ स्मॉल एंड अदर एंड इज अ सो लॉन्ग शो इन दिस पिक्चर। हियर टू टेस्ट ट्यूब एनारोबिक रिस्पिरेशन इन द ईस्ट एंड देयर ऑयल लेयर्स ईस्ट इन अ ग्लूकोज सोल्यूशन। हियर इज द ईस्ट इज अ solution form and the yet for the oily layers of the upper side and corks are also closed. The other side is the lemon water or the B. A is the oil layers and eastern glucose solution and B is the lime's water here. The anaerobic respiration in the east is shown in this figure. Insert there a short end of the glass tube through their rubber corks and stopper so that it is a reminder to exposed to their air inside the tube. A. The inside other end of the tube into the lemon water contact test tube B shown in the figure. The place test tube A is a warm water 37-38 Celsius in the beaker. Observe that the lemon water gradually turn milky indicating evolution of the CO2 from yeast preparations. Also note that the level of the lemon water in the delivery tube does not be rise, showing that there is no fall in the volume of gas in a test tube A, and therefore the no utilize of oxygen by the yeast. Keep the experiment shut of the one day. Open the stopper of tube A and the smell. Do you now notice that a smell of alcohol? Can you now the alcohol and the write their equation of the alcoholic fermentation? The hair C6H12O6 and the hair 2C2H5OH plus 2CO2 plus 2ATP formation. It is the most important formation of the yeast in the anaerobic condition. दोस्तों, यहाँ पर जो है ईस्ट में अवायवी श्वसन की अभिक्रिया को दर्शाने के लिए हमने एक एक्टिविटी किया है। ये एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी माना जाता है एग्जाम व्यू से। कई कई बार एग्जाम में आता है कि ईस्ट में जो है अवायवी श्वसन को दर्शाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट को लिखिए, चाहे प्रैक्टिकल में भी आ जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार एग्जाम में आया है कि ईस्ट में अवायवी श्वसन किस प्रकार दर्शाया जा सकता है। तो इसके प्रोसीजर है, विधि यही कहता है कि थोड़ी सी मात्रा में आपको खमीर का शुष्क चूर्ण यानी जो है ईस्ट का लेना पड़ेगा, ठीक है। और खमीर का शुष्क चूर्ण अथवा बेकरी की जो है खमीर ईस्ट का यानी जो है ईस्ट है उसको लेना पड़ेगा। ले और इसकी जो है 10 ml मात्रा को एक प्रणाली में जिसमें ग्लूकोज का 10% जो है बिलियन है मिला ले, ठीक है। कप और खंडली में द्रव्य की सतह से ऊपर तेल डाल दें जिनसे इस द्रव्य का बाहरी हवा में संपर्क में ना हो आ सके, तथा क्योंकि आपको पता है कि अगर ऑयल डाल दोगे तो ये ऊपर जो है, क्योंकि ऑयल जो होता है वायु को आने अंदर नहीं देता है, तो ये बहुत काफ़ी अच्छा रहता है ऑयल डाल देने से। करके इस प्रखंडली के बंद कर दें। अब एक दो मुँह वाली जो है प्रखंडली में इस तथा इसका जो है एक भाग प्रखंडली जिसमें खमीर एवं ग्लूकोज जो है बिलियन भरा हो अंदर डालें। दूसरा सिरा जो है प्रखंडली जिसमें से कि चूने का पानी भरा है मैं डाल दें, ठीक है, जैसे चित्र में भी दर्शाया गया। दोस्तों, अब जो है हम क्या करते हैं कि क जो है हमारा क प्रखंडली के एक बीकर में रखे गर्म पानी जो होगा 37°C 38°C में डालें। तो देखें कि अब प्रखंडली ख में चूने की पानी का रंग दुधिया होने लगता है। यह प्रदर्शित करता है कि जो खमीर ईस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलना शुरू हो गया है। यह भी देखिए कि जो है डिलीवरी ट्यूब के स्तर में कोई वृद्धि नहीं होती है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि कप प्रखंडली गैस के आयतन में भी कोई कमी नहीं हुई है। इस प्रकार जो है ईस्ट द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। इस प्रयोग को एक दिन के लिए जो रखे तथा क प्रखंडली की कर को हटाकर उसे सूंघे। क्या आपको अल्कोहल की गंध आती है?
क्या आप अल्कोहल का नाम बता अल्कोहलिक क्यूवन की समीकरण लिख सकते हैं? जी हाँ, इसमें जो होगा C6H12O6 रहेगा और यहाँ पर जो है आपको अल्कोहल का जो सूत्र होगा 2C2H5OH, OH जहाँ भी रहता है वो अल्कोहलिक होता है। तो यहाँ पर अल्कोहल का निर्माण हुआ है और प्लस जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी निर्माण हुआ है, प्लस ATP एनर्जी भी यहाँ पर रिलीज हुआ है। तो इस तरह से जो है हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ है। यहाँ पर एक आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा, इसमें अवायवी सबर्शन, तो यहाँ पर जो यही एक्सपेरिमेंट यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक जो है दो बीकर लिए गए हैं कॉर्क, पहले बीकर को जो है पूरी तरह से जो है इसमें ग्लूकोज बिलियन में ईस्ट डाल दिया गया है, बिल्कुल देख रहा होगा ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है वो ईस्ट है, ठीक है। और उसके ऊपर जो है तेल की एक लेयर डाल दिया गया है और उसको कर्क से ऊपर ढक दिया गया है, और दूसरी प्रणाली को जो है दूसरे साइड चूने के पानी में डाल दिया गया है। अब देखिएगा कि चूने का पानी जो हो जाता है दुधिया हो जाता है, ठीक है। और आप कुछ समय के बाद देखोगे इसमें से कुछ स्मेल सा आने लग गया है, जो स्मेल आता है ना वही जो है अल्कोहल होता है। और आपको पता है कि जब अल्कोहल जो होगा इससे बनाई जा सकती है, यानी ये भी एक अवायवी समीकरण होती है, ठीक है, अवायवी रिएक्शन होती है, यानी इसमें जो है एनारोबिक एक्सप्रेशन होती है, जिसकी वजह से ये जो है इस जो है क्यूवन में कन्वर्ट हो गया, यानी ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ये एक्सपेरिमेंट जो है थी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, ठीक है, कई बार एग्जामिनर जो है ऐसे क्वेश्चन पूछता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तृपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तृपान लिखिएगा तो जो है वो तृपस कर देगा, ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे तृपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है तृपान श्री सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तृपान श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्यों, क्योंकि ये जो है आपके 8th class, 9th, 10th, 11th, 12th जो 8 के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NICU बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है, साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6th semester तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तृपान श्री सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।